हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव आज आपको वायु गोला और नाभि के बारे में बताऊंगा। वायु गोला और नाभि एक ही होता है, नाभि का ही हटना वायु गोला कहलाता है। होता क्यों है, ये किस लिए होता है, क्या कारण होते हैं कि आपको वायु गोला हो जाता है या फिर नाभि हट जाती है आपकी, वो होता है इसलिए होता है कि आपके हाथ पाँव में किसी प्रकार का झटका झटके का लगना, कहीं चढ़ते उतरते चलते समय ढीला पाँव आपने कहीं रख दिया, आपने ध्यान नहीं रहा, आपने अचानक से कहीं पे पैर रख दिया, उससे भी आपकी नाभि सरक जाती है। जो समान वायु चक्कर गोला, जिसे गोला भी बोलते हैं, वो अपने स्थान से दाएं बाएं ऊपर नीचे सरक जाता है। इसे नाभि का टहलना और गोला चला जाना भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी नाभि हटी हुई है? इसके लक्षण होते हैं पेट में दर्द का होना, पेट कई बार आमल भी जाता है आपका, मतलब कि हाथ लगाएंगे तो आपको पेन होने स्टार्ट हो जाता है, और कई बार देखा जाता है कि पेट फूल भी जाता है। आपको हरारत महसूस होगी तो आप समझ जाइए कि आपको नाभि हटी हुई है। उस समय आप कोई भी दवाई लेंगे तो आपको ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। जब तक आप इस नाभि को ठीक नहीं कर लेते, आपके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। आमतौर पर पुरुषों की नाभि बाईं ओर और स्त्री की नाभि दाईं ओर टहलती है आमतौर पर, वरना ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन पुरुषों की नाभि जो जब हटती है तो वह इस एरिया में आ जाएगी और लेडीज की नाभि इस एरिया में आ जाएगी। और आमतौर पे बता रहा हूँ मैं, अधिकतर ऊपर नीचे भी हो सकती है ये। लंबे समय तक अगर आपने अपनी नाभि को नहीं देखा, अगर अगर आपने नहीं पहचाना अपने नाभि के लक्षणों को, तो उसके लिए आपके आपके लक्षण और आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपके दांतों की चमक कम होने लग जाती है, पीड़ा होने लग जाती है, दांतों में कीड़ा लग जाता है या बदबू आने लग जाती है, वो पीड़ा स्टार्ट हो जाती है दांतों में। आंखें, आपकी आंखों की रोशनी वो भी कम होने लग जाती है, आपकी आंखों की सुंदरता वो भी कम होने लग जाती है, ये इसका दूसरा लक्षण है आंखों वाला। बालों का ऐसे में सफ़ेद हो जाना, आपके सर के बाल आपने देखा होगा बगैर वक्त उम्र जवानी में भी आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, वो भी एक नाभि के लक्षण हो सकते हैं। आलस्य आ जाना, थोड़े आलस्य आ जाना, थकान महसूस होना, थोड़ा सा काम करते आपको थकान महसूस हो जाएगी, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, चिड़चिड़ा पे ना जाना आपके स्वभाव में, काम में मन ना लगना, आपको निराशा होना, आक्रामक भय, नकारात्मक प्रवृत्ति की उत्पत्ति, कोई भी आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही होती है तो वो आपके नाभि के हटने के कारण हो सकती हैं। आमतौर पे जरूरी नहीं है कि आपकी ये भी इसके लक्षण हैं, आपको संभव है कि आपको नाभि ठीक है, आपको ये लक्षण और वजह से आ रहे हो, लेकिन देखा जाता है कि नाभि के हटने पर ही ये ज़्यादा संभव मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको नाभि आप यहाँ से पता करेंगे, बीच में सेंटर में यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा जूम करना, अभी देख रहे हैं कि ये फुदकना स्टार्ट कर देता है बिल्कुल सेंटर में। और अगर ये ऊपर की तरफ हटी हो, इस साइड हो, तो आप इसको कैसे करेंगे वही आज हम आपको सिखाते हैं। फर्स्ट आप हल्का सा तेल लेंगे, आपके लिए इसके नाभि को जब भी आप कभी भी नाभि अपनी सेंटर में ला रहे हैं तो उसके दौरान आपको केवल सरसों का तेल ही यूज करना है, क्योंकि सरसों का तेल आपके लिए बहुत बेस्ट होता है नाभि के दौरान, तो आपको सरसों का तेल ही यूज करना है। जब भी आप पहले सरसों का तेल लेंगे और उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से आप नाभि को सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे? बिल्कुल हल्के प्रेशर से, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा हल्का, हम सेंटर में लाके इसको छोड़ देंगे। ऐसे इस साइड से करेंगे, वो बिल्कुल सेंटर में लाके छोड़ देंगे। और वायु गोला जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है, तो मैंने आज जो आपको बताया है वो वायु गोला बताया है, गोला भी कई प्रकार के होते हैं। ऊपर से नीचे करेंगे इसको, बिल्कुल सेंटर में छोड़ना है, और फिर आपको देखेंगे इसको ऐसे लगा के बिल्कुल सेंटर में देखेंगे कि आपकी नाभि सेंटर में आई है या नहीं। अगर नहीं आई है तो फिर आप फिर भी यही प्रैक्टिस, यही प्रक्रिया आप बार बार करेंगे। जब तक आपकी नाभि सेंटर के अंदर नहीं आती है तब तक आप ये करते रहेंगे।
आपको ये सेंटर में ही छोड़ना है। फिर आप चेक करेंगे कि आपकी नाभि यहाँ पे आई है नहीं, उसके लिए फिर आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये अभी सेंटर में आ चुकी है। अभी आ चुकी है सेंटर में ये, इसको यहाँ पे हाथ डालेंगे नीचे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे दोनों साइड से, वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ डालेंगे और ऊपर तरफ पुश करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। आप ऐसे ही करते रहेंगे जब तक आपकी नाभि सेंटर में नहीं आती है। आपकी नाभि सेंटर में आने के बाद आप इसका एक एक ध्यान और रखिएगा, जब भी आप किसी की नाभि सेंटर में लाते हैं तो वो केवल खाली पेट ही निकालें। आप सेंटर में केवल खाली पेट ही नाभि को ला सकते हैं। अगर उसने खाना खाया हुआ है या फिर चाय अगर वगैरह पिया हुआ है तब भी आपकी नाभि सेंटर में आने में नहीं आएगी, टाइम लगाएगी, वो सेंटर में नहीं आएगी। तो इसलिए ध्यान रखेगी, अगर आपकी किसी की भी नाभि अगर बार बार गिरती है, बार बार अगर धड़न दिखती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ गुड़ में मिलाकर 1 सप्ताह तक रोज खाने से 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ गुड़ में मिला लीजिएगा और एक सप्ताह तक रोज खाने से आपकी नाभि का अपनी जगह से हटना, बार बार हटना रुक जाता है। अब नाभि सेंटर में लाने के बाद अब इनको ऊपर इनको बैठाएंगे और बैठाने के बाद इनके दोनों हाथ इन्हीं के पैरों के अंगूठे के ऊपर लगवाएंगे और 2 मिनट के बाद इन्हें 1 गिलास पानी पिला देंगे। यह आपकी नाभि बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने नाभि को सेंटर में कैसे किया है। दूसरा जो जो प्रकार का घोड़ा होता है वो आपको बच्चे होने के बाद स्टार्ट होता है, उसके उसका कोई उपाय नहीं होता, उसके लिए आपको कभी भी मलवाइए मत, पेट को कभी नहीं मला जाता उसके लिए, ना ही रगड़ा जाता है। उसके लिए आपको एक उपाय करना होता है, वो उपाय ये है कि आपको घोड़ा ठीक करने के लिए घोड़ा ही खाना पड़ता है। और वो खाने का तरीका ये है कि आपको चारपाई के जो पंगायत होते हैं, जो चारपाई होती है उसके पंगायतों में सूखा नारियल का घोड़ा आपको नीचे से ऊपर की तरफ 7 बार निकालना होता है। चारपाई के पंगायते में से नारियल का घोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ 7 बार निकालेंगे और उसके बाद जिसके भी पेट में घोड़ा होता है वो उसको खिलाएंगे। आप ही आराम समझ लीजिएगा, खाट जो होती है उसके पंगायतें होती हैं, जहाँ से खाट बंधी होती है पंगायों तरफ, जहाँ एक तो एक तरफ होता है जिस तरफ हम सर करके सोते हैं और दूसरी तरफ होता है चारपाई का जिस तरफ हमारे पैर होते हैं, उस तरफ हमारी कुछ रस्सियां बंधी होती हैं। उस रस्सियों के बीच में से आप सूखे नारियल के घोड़े को लेंगे और उसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ निकालेंगे। यह प्रक्रिया हम 7 बार करेंगे और उसको घोड़े को घसकर जिसके पेट में, जिस महिला के पेट में घोड़े की प्रॉब्लम चल रही है, उसको खांड में मिला के और घी में मिला के, खांड और घी और नारियल के घोड़े को घसकर उस महिला को 3 दिन तक खिलाएंगे। आपको 2 या 3 चम्मच दिन की खानी होती है, इससे आपको पेट के घोड़े में राहत मिलती है। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये घोड़ा जो पेट में उठता है ये केवल बच्चे होने के बाद ही उठता है, और ये जो आपको प्रक्रिया बताई है ये केवल बच्चे होने के बाद जिस महिला के पेट में घोड़ा उठा है ये उसी के ऊपर काम करेगी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कुछ बात समझ में अगर आपको ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।